तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, 10th में भी पढ़ चुके होंगे और 11th में भी पढ़ चुके होंगे। आप 12th में पढ़ेंगे और उसके बाद आपका ज़िंदगी से करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नाता था वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप आगे जाके फिजिक्स से रिलेटेड कोई करियर नहीं चूज़ करते हैं, क्योंकि गाइस काफ़ी इरिटेटिंग भी है और काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आता ये टॉपिक, लेकिन पढ़ाई है तो करनी पड़ेगी। सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर आप, क्योंकि आपने 9th, 10th, 11th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, सो बेसिक तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा और बेसिक से, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हमने क्लास चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो चार्जेस होते हैं या तो वो फ्री होते हैं या फिर वो रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो चार्ज जो मोशन में होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। एंड सच करंट अकर नेचुरली इन मैनी सिचुएशंस। तो ऐसे जो करंट्स होते हैं काफ़ी सिचुएशन में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बस इलेक्ट्रिक वायर में ही करंट फ्लो करता है, काफ़ी सिचुएशन में ये अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल है लाइटनिंग। लाइटनिंग गाइस जो फिनोमेना है ये कब होता है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं क्लाउड से टू द अर्थ थ्रू द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर से होते हुए जब चार्जेस क्लाउड से अर्थ पर जाते हैं, देन गाइस क्या होता है, लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग विच इज़ अ डिजास्ट्रल रिजल्ट है, ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ द चार्जेस इन लाइटनिंग इज़ नॉट स्टडी, यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं लाइटनिंग में वो एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, कोई चार्ज इधर जा रहा है, कोई चार्ज इधर जा रहा है, यानी कि कोई मैनर नहीं है, कोई आप कह सकते हैं स्टडी मैनर नहीं है। बट इन आर एवरी डे लाइफ वी सी मैनी डिवाइसेज वेयर द चार्जेस फ्लो इन अ स्टडी मैनर, ठीक है। हमने देखा है कि जो चार्जेस होते हैं वो एक मैनर में या फिर एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जैसे कि वाटर फ्लो करता है रिवर में एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एंड अ टॉर्च की लाइट देखते हो आप, एक ही डायरेक्शन में आगे जाती है, ठीक है। वैसे ही सेल ड्रिवन क्लॉक भी एक एग्जांपल है ऐसे डिवाइसेस का जो कि एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। तो इन प्रेजेंट चैप्टर गाइस वी शैल स्टडी सम ऑफ द बेसिक लॉ कंसर्निंग स्टडी इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अब जो ये चैप्टर है गाइस इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे स्टडी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी कि जो कि एक ही डायरेक्शन में होता है और स्टडी होता है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो इलेक्ट्रिक करंट ही है, यानी कि इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी भी, तो इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, सो इमेजिन अ स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। तो सपोज गाइज देखो, सपोज एक एरिया है, स्मॉल एरिया है जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि सपोज ये हमारे चार्जेस है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है हमारा वायर या फिर स्मॉल एरिया जो जिसको कंसिडर कर रहे हो आप, एंड बोथ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मे फ्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अक्रॉस द एरिया, यानी कि जो चार्जेस है, देखो ये है हमारा चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर सपोज पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव जो चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। एंड इन गिवन टाइम, सपोज जो टाइम है, इंटरवल टाइम है, वो हमने मान लिया टी, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमने मान लिया टी, तो जो क्यू प्लस होगा वो क्या होगा बेसिकली, यहाँ थोड़ा एक मिनट पेन यूज़ कर लूँ, जो क्यू प्लस होगा वो क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन अक्रॉस द एरिया। जो प्लस क्यू प्लस होगा वो हमारा होगा नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और क्यू माइनस क्या होगा, ये नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड द नेट अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा गाइज, अगर हम नेट माने दोनों चार्जेस को करें, तो जो रिजल्टेंट चार्ज होगा Q क्या होगा हमारा, Q प्लस माइनस Q माइनस, यानी कि नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज से माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट हमारा चार्ज आ जाएगा। एंड दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू द टी फॉर स्टेडी करंट, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू क्या होगा हमारा Q बाई टी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया
कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन मटेरियल, ठीक है। और इसे हम डिफाइन ये भी कर सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज करंट अक्रॉस द एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टर्न आउट टू बी द नेगेटिव नंबर इफ़ इट इम्प्लाइज करंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर करंट बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो जो करंट होगा वो होगा हमारा नेगेटिव नंबर, यानी कि जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव नंबर होगा, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है तो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। एंड करंट आर नॉट ऑलवेज स्टेडी, ठीक है। सो करंट हमेशा स्टेडी नहीं होता है, जनरली वी डिफाइन करंट एज फॉलो। सो हम क्योंकि अब इसमें एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, कभी फॉरवर्ड है कभी बैकवर्ड है, तो इसके लिए हम एक चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। जिसका सो चेंज इन, पहले हम चार्जेस निकालेंगे क्योंकि करंट के चार्जेस के फ्लो के बाद ही जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए तो सबसे पहले हम चेंज इन वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चेंज इन चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं नेट चार्ज, और अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर क्या हो गया, जैसे सपोज हमारा ये वायर हो गया, यही हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं कि इतने एरिए में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट नहीं बेसिकली चार्जेस फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से करंट हो रहा है, ठीक है। और जो टाइम इंटरवल लिया हमने वो चेंज इन टी ले लिया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम। एंड देन द करंट एट टाइम टी, यानी कि टाइम टी पे जो करंट होगा वो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू दे रखी है हमारी, ये रहा, I इज इक्वल टू होगा चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन टी, ठीक है। एंड जो गाइज एज यू नो दैट कि SI यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पेयर होती है, एंड एम्पेयर इज डिफाइंड थ्रू द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट विल स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर, ठीक है। तो जो एम्पेयर होता है वो क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्या है, एम्पेयर को हमने डिफाइन करा एज अ मैग्नीट्यूड, एज अ ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज। अब हमारे घरों में जो अप्लायंसेज होते हैं उसका करंट कैसे, किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, एम्पेयर में, एम्पेयर में करते हैं। एंड एवरेज लाइटनिंग कैरीज करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 10,000 ऑफ एम्पियर्स, एंड एट द अदर एक्सट्रीम करंट इन आर नर्व्स एज इन आर इन अ माइक्रो एम्पियर। सो गाइस क्या हो, इसका मतलब क्या है, तो गाइस इसका मतलब बेसिकली क्या है, जो एवरेज लाइटनिंग करंट लाइटनिंग होती है, यानी कि जो आसमान में लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, वो कितना करंट होता है आपको पता है, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ एम्पियर्स, यानी कि 10,000 एम्पियर्स होता है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 एम्पियर्स का करंट होता है। और जो आपको पता है हमारी नर्व्स में भी करंट होता है, और अगर उसकी बात करें तो वो एक उसे हम कहेंगे माइक्रो एम्पियर्स, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में करंट होता है, क्योंकि हमारी जब बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी डेंजर सिचुएशन में होते हैं या भी किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिससे वो कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन के साथ, और वो रिएक्ट करता है हमारा हाथ, और अचानक से हमारा हाथ, हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, नर्व्स वाले में, ब्रेन वाले में। सो ये सिचुएशन, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके नर्व्स है उनमें भी हमारा करंट होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और विच इज़ अ माइक्रो एम्पियर, यानी कि बहुत ही कम एम्पियर का करंट होता है, ठीक है, तो वो नेग्लिजिबल होता है, उसे हम नेग्लिजिबल कहेंगे। सो गाइस अब पढ़ेंगे इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो क्या होता है, जब हम किसी भी कंडक्टर पे या किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उन पे एक फोर्स अप्लाई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उन्हें मूव करना पड़ता है। अगर वो मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा करंट एग्जिस्ट करेगा, या फिर करंट में कॉन्ट्रीब्यूट होगा। सो इन नेचर क्या होता है गाइस, जो फ्री चार्जेस होते हैं ये बस एग्जिस्ट करते हैं कौन से एटमॉस्फेयर की एक लेयर में, अपर लेयर में, जिसका नाम है आयनोस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर होती है आयनोस्फेयर, उसी में ही सिर्फ फ्री चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और हाउ वेल इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर आर बाउंड टू ईच अदर। लेकिन अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल की बात करें, जो चार्जेस होते हैं, दो चार्ज होते हैं उसमें, एक होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का।
और दोनों ही बाउंड होते हैं न्यूक्लाई के साथ, न्यूक्ली के साथ, ठीक है। और जो फोर्स होता है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, फ्री टू मूव नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें बल्क मैटर की, तो बल्क मैटर होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ग्राम ऑफ वाटर, अगर एक ग्राम वाटर की बात करें उसमें 10^22 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं एक ग्राम वाटर में। तो ये मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लाई के बाउंड में नहीं रहते, यानी कि जो फोर्स होता है न्यूक्लाई के, न्यूक्ली और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री टू मूव हो जाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन फिर भी बाउंड रहते हैं, यानी कि न्यूक्लाई के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और दे विल नॉट एक्सेलरेट इवन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। और अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देंगे, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लाई से अलग नहीं होंगे, यानी कि उसके फोर्स में या अट्रैक्शन में रहेंगे। एंड इन अदर मटेरियल नोटेबली मैटर्स, सम इलेक्ट्रॉन आर पार्टिकली फ्री टू मूव विद इन द बल्क ऑफ मटेरियल, यानी कि कुछ मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज मटेरियल्स जनरली कॉल्ड द कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। एंड जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है विद इन दैम, एंड वैन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो मूव करने और ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट में कॉन्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि करंट एग्जिस्ट करता है उनकी वजह से कंडक्टर में, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, जिसकी वजह से उनमें करंट एग्जिस्ट करता है। इफ़ यू शुड कंसिडर सॉलिड कंडक्टर, देन ऑफ कोर्स एटम आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर, ठीक है। अगर सॉलिड कंडक्टर की बात करें तो उनमें सारे एटम्स बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ क्लोज पैक्ड होंगे, है ना। अगर गाइस हम कंसीडर करें सॉलिड कंडक्टर की, तो उसमें क्या होगा, जो एटम्स होंगे वो टाइटली क्लोज्ड होंगे और टाइटली बाउंड होंगे, यानी कि उनके बीच में जो गैप होगा बहुत ही कम होगा। और तो ऐसे कंडक्टर, ऐसे गाइस मटेरियल में क्या होता है, जो करंट होता है वो कैरिड किसकी वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी मूव कर पाते हैं ऐसे कंडक्टर्स में, तभी उन्हें कंडक्टर कहा जा रहा है। एंड देर आर हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ कंडक्टर लाइक द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ कैन मूव। लेकिन कुछ गाइस टाइप ऑफ कंडक्टर होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही मूव कर पाते हैं, ठीक है। एंड इन आर डिस्कशन वी विल फोकस ऑन ओनली द सॉलिड कंडक्टर, लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड कंडक्टर पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर ही फोकस करेंगे, यानी कि इसमें हम क्या होगा, जो करंट होगा वो ओनली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कैरिड किया जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर द फर्स्ट केस वेयर द नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, यानी कि एक पहला केस कंसीडर करते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग ड्यू टू द थर्मल मोशन, ठीक है, ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विद द फिक्स्ड आयन, यानी कि जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव किसकी वजह से करेंगे, थर्मल मोशन की वजह से। थर्मल मोशन यानी कि जो टेम्परेचर की वजह से जो मोशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से वो मूव करेंगे, और वो कोलाइड किसके साथ होंगे, फिक्स्ड आयन के साथ। फिक्स्ड आयन यानी कि जो पहले से फिक्स्ड है वो मूव नहीं कर रहे हैं, जो कि है ना। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग विद द आयन इमर्ज विद द सेम स्पीड एज बिफोर द कॉलिजन, ठीक है। तो जो गाइस जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे आयन्स के साथ, तो उसकी वजह से जो स्पीड होगी वो एकदम सेम होगी बिफोर एज जैसे कि वो कॉलिजन से पहले थी। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन इज कम्प्लीटली रैंडम, लेकिन जैसे ही वो आयन के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो जो उनकी डायरेक्शन होगी वो चेंज हो सकती है। तो एट अ गिवन टाइम देर इज़ नो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ले इसलिए जब अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। दस ऑन द एवरेज, तो हमने क्या करेगा, हम एक एवरेज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर सपोज 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और हमने माना कि 20 ही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि निल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि चार्ज कितना होगा हमारा, नेट चार्ज जीरो,
और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन में टी, यानी कि चार्ज जीरो है, नेट जीरो चार्ज है, तो यानी और टाइम कुछ भी रख लो, तो यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो। तो नेट करंट कितना होगा हमारा, जीरो। अब बात करते हैं गाइज कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाए तो तब क्या होगा। तो टू फोकस आर थॉट, इमेजिन अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। तो सपोज गाइज एक कंडक्टर यूज़ करते हैं और जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और उसकी रेडियस आर दे रखी है। सपोज वी नाउ टेक टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ अ सेम रेडियस, पुट पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन डिस्क एंड सिमिलरली माइनस नेगेटिव चार्ज ऑफ द अदर डिस्क। यानी कि हमको डायग्राम में दिखा देता हूँ, तो ये जो गाइज डिस्क है, ये दोनों डिस्क है, ये सिलेंडर के दोनों साइड में लगा दिया है और एक डिस्क पे है नेगेटिव चार्ज, एक पे है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, वी अटैच टू डिस्क ऑन द टू फ्लैट सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गाइज क्रिएट किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है और उसकी डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलेटेड ड्यू टू द फील्ड टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी कि वो क्या जाएगी, वो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था जो करंट की डायरेक्शन होती है वो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है उस वही करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक जो मैंने क्या बताया अब यहाँ था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएटेड एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टूवर्ड्स, ये पढ़ लिया हमने, द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलेटेड ड्यू टू द फील्ड अप्लाइड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सीलेट हो जाएंगे क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से अप्लाई किया है। दे विल दस मूव टू द न्यूट्रलाइज द चार्ज। अब वो मूव करेंगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अब ये मूव करेंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। द इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे आर मूविंग विल कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड हेंस इन द सिचुएशन कंसिडर देर विल बी करंट फॉर वेरी शॉर्ट वाइल एंड नो करंट देर आफ्टर। क्योंकि गाइज कुछ समय के बाद क्या होगा, एक डिस्क है येरी या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो जब तक गाइज ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों आपस में एक दूसरे के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो क्या है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद जो करंट होगा वो सिलेंडर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वी कैन ऑल्सो इमेजिन अ मैकेनिज्म वेयर द एंड ऑफ द सिलेंडर एज अप्लाइड विद अ फ्रेश चार्ज टू मेक अप एनी चार्ज न्यूट्रलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द कंडक्टर। तो गाइस एक इमेजिन करते हैं हम कर सकते हैं मैकेनिज्म जिसमें क्या होगा, एक एंड से हम कुछ चार्जेस अप्लाई करेंगे जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर उसे हम न्यूट्रलाइज कर सके। तो इन दैट केस गाइस देयर विल बी द स्टेडी। तो गाइस इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर कंडक्टर बॉडी के अंदर वो क्या होगा, स्टेडी होगा, यानी कि मूव नहीं कर रहा होगा बेसिकली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एंड देर विल बी रिजल्ट इन द कॉन्टीन्यूस करंट रेदर दैन द करंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम। यानी कि ऐसे केस में गाइस क्या होगा, जो करंट होगा कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, यानी कि कुछ टाइम के बाद एकदम से करंट ख़त्म नहीं हो जाएगा। एंड अगर इस मैकेनिज्म की बात करें गाइस, तो ये मैकेनिज्म होता है हमारा सेल्स एंड बैटरी में, जिसमें हमारा करंट क्या होता है, स्टडी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें स्टडी होता है। और वी शैल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर, और उसके बारे में गाइस हम बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन गाइस हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी करंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, ठीक है। सो गाइस अब पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। सो गाइस आई थिंक जो ये वीडियो हो गई काफ़ी लेंदी हो गई है और मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे पार्ट्स में बनाना है, चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। दिखाऊंगा आपको, ये 34 पेजेस का चैप्टर है और जो कि मुझे बहुत लेंदी पड़ जाएगा, अगर मैं बनाने जाऊँ तो 2.5-3 घंटे में बनेगा, इसलिए मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ। तो गाइज अब जो ये पार्ट्स होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें मैं ओम्स लॉ से कंटिन्यू करूँगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड इफ यू आर न्यू ऑन चैनल गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।